हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ईवे बिल फॉर गोल्ड। लेट्स सी। ईवे बिल फॉर गोल्ड, एज यू ऑल नो, गोल्ड पहले एग्जम्प्ट आइटम के अंदर था जिसके लिए ईवे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब गोल्ड के लिए भी जो ईवे बिल है वो मैंडेटरी कर दिया गया। लेट्स सी। ऑन 12 सितंबर 2022 द निक रिलीज्ड एन अपडेट ऑन द ईवे बिल पोर्टल रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ ईवे बिल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो गोल्ड को भी अगर अब आप मूव करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी ईवे बिल जो है वो उन्होंने अपडेट कर दिया। एज पर द जीएसटी काउंसिल, द ईवे बिल रिक्वायरमेंट हैज बीन लेड डाउन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड फॉलिंग अंडर द एचएसएन चैप्टर 71 फॉर ऑल द इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस। अब पर्टिकुलरली वहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि गोल्ड के लिए जो भी एचएसएन कोड जो आप डालेंगे वो 71 चैप्टर का ही आप वहां पे डालेंगे। तो एचएसएन कोड आपका 71 होना चाहिए। अगर आप 71 के अलावा गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी या उसके साथ कुछ और भी अगर आप भेज रहे हो, मूव करवा रहे हो, और अगर आपने 71 के अलावा डाल दिया तो वो पर्टिकुलरली गोल्ड के फॉर्म के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन अ स्टेट may create an e-bill for gold as per the notification published by their respective states. One can generate an e-bill for gold through a different window on the main menu. इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया है? वहाँ पे next से तो उन्होंने बोल दिया कि gold के ऊपर जो है e-bill mandatory कर दिया, ठीक है? अब next उन्होंने क्या दे दिया कि state, अगर आपके state के अंदर notify कर दिया गया कि gold के movement के ऊपर e-bill जो है वो बनेगा तो बनेगा। अभी सभी स्टेट्स के अंदर अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि ये ऊपर साइट के ऊपर आ गया है, तो धीरे धीरे स्टेट्स जो है वो नोटिफाई इस चीज को कर देंगे। कैन नेविगेट फ्रॉम द डैशबोर्ड, आपको ये ईवे बिल बनाना है तो किस तरह से बनाना है, बेसिकली आपको कैसे बनाना है? जैसे ही आप ईवे बिल की साइट के ऊपर जाओगे वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा ईवे बिल फॉर गोल्ड की एक नई ऑप्शन आती हुई दिखाई देगी। वहां पे आपको उसको क्लिक करके पार्ट ए की डिटेल्स वहां पर देनी है। एंड इट ओपन अप्स द ईवे बिल फॉर गोल्ड एंट्री फॉर्म वेयर द यूजर नीड्स टू एंटर द इनवॉइस डिटेल्स, सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस। वहां पे आपको उसका पार्ट ए फिल करना है। यूजली आप जब ईवे बिल बनाते हो तो आप वहां पे क्या करते हो, पार्ट ए देन पार्ट बी उसका फिल करते हो, बट इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ पार्ट ए देना है। पार्ट बी जो है इन्होंने अभी उसको एग्जम्प्ट कर दिया कि वहां पे पार्ट बी गोल्ड की मूवमेंट के लिए अगर आप ईवे बिल बनाओगे आपको पार्ट बी फिल नहीं करना। उसका रीजन बीइंग कि व्हीकल की डिटेल्स नहीं मेंशन होनी चाहिए क्योंकि गोल्ड जो है वो एक एक्सपेंसिव आइटम है, तो इसी का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए उन्होंने वहां पे पार्ट बी को जो है वो एग्जम्प्ट किया है। The parameters to create an EVA bill for the gold are the same as any regular EVA bill. जैसे आप एक regular EVA bill बनाते हो, same way में आप EVA bill जो है वो gold का भी बनाओगे। However, the taxpayers need not update EVA bills with the Part B vehicle or transporter details. Such exemption is given on account of safety reasons. ठीक है? तो अगर आप EVA bill बना रहे हो gold का, उस केस में आपको सिर्फ Part A fill करना है। Part B के अंदर जो आपकी vehicle और transporter की details रहती है वो वहां पे अपडेट करने की नीड नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एचएसएन कोड आपका 71 होना चाहिए। अगर आपका 71 है तो वो ईवे बिल है गोल्ड के लिए, आपको सिर्फ पार्ट ए फिल करना है। अगर आपने उसका एचएसएन कोड कोई और रख दिया तो उस केस में उस एचएसएन कोड का अलग होने की वजह से आपको पार्ट बी की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगे। नेक्स्ट, फर्दर The validity of the EVA bill for gold is computed based on the pin-to-pin distance. ठीक है? उतनी देर के लिए आपका जो है वो EVA bill validate रहेगा। The system considers the distance between the origin and the destination picked up from the pin code entered in each address. जैसे हम pin-to-pin address, वैसे भी हमारा कोई भी EVA bill होता, कोई गाड़ी हम निकालते हैं तो वो pin-to-pin address जितना distance है उसी के accordingly हमारा EVA bill जो है वो उसकी validity set होती है। Next. The taxpayer generating an EVA bill for gold must ensure that all the items listed in the invoice fall under the HSN chapter 71 mandatorily.
मेनली इसके अंदर क्या बताया गया है कि जब भी आपने इवेबल गोल्ड का बनाना है वहां पे HSN कोड आपका कौन सा होना चाहिए, 71 से स्टार्ट होना चाहिए। चैप्टर 71 है, डेट मीन 71 HSN कोड आपका होना चाहिए। और HSN कोड तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका 4 डिजिट और 6 डिजिट होना चाहिए वहां पे। सपोज आइटम्स फॉल अंडर एनी अदर HSN चैप्टर टुगेदर विद द HSN चैप्टर 71, आपने क्या किया 71 का भी काटा उसके साथ साथ किसी और HSN के भी काट दी, तो इन दैट केस सच एन इवेबल विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर इवेबल एंड कैन बी जनरेटेड टुगेदर विद द पार्ट बी डिटेल्स। उस केस में उसको इवेबल फॉर गोल्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे एक रेगुलर इवेबल कंसिडर किया जाएगा। अगर आप गोल्ड का इवेबल काटना चाहते हो तो आपको सिर्फ HSN चैप्टर 71 को ही मेंशन करना है। अगर आपने 71 के अलावा वहां पे कुछ मेंशन कर दिया तो उस केस में उसको एक रेगुलर इवेबल कंसिडर किया जाएगा और उसमें आपको पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी के व्हीकल के डिटेल्स जो है वो भी देनी पड़ेंगे। डिफिसल्टीज रिगार्डिंग कैंसिलेशन एंड रिजेक्शन ऑफ द इवेबल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड, वो वैसे रहेंगी जैसे हम अभी भी कोई नॉर्मल जो इवेबल हम काटते, कोई गाड़ी मूव करवाते हो जो भी हम इवेबल काटते हैं उसको भी कैंसिल और रिजेक्शन की जो फैसिलिटीज है वो सेम एज इट इज रहेंगी गोल्ड के लिए भी। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग आर सम चेंजेस एंड फंक्शनैलिटीज फॉर इवेबल्स जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड के लिए क्या चेंजेस आई है, पार्ट बी डिटेल्स कैन नॉट बी अपडेटेड बाय डिफॉल्ट वहां पे, क्योंकि हमने क्या बोला है कि पार्ट बी किसका रहता है, ट्रांसपोर्टर ऑफ व्हीकल डिटेल्स। ट्रांसपोर्टर ऑफ व्हीकल डिटेल्स जो है वो अपडेटेड नहीं हो सकती है। नो अपडेट ऑन द ट्रांसपोर्टर इज अलाउड, जब ट्रांसपोर्टर है ही नहीं है तो अपडेट का क्वेश्चन ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन टू जनरेट अ कंसोलिडेटेड इवेबल, इवेबल के अंदर भी सेम वही है, कंसोलिडेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इवेबल इज परमिटेड विदाउट द नीड टू रिवाइज द पार्ट बी, पार्ट बी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि पार्ट बी उसके अंदर है ही नहीं है। एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मल्टीव्हीकल, मल्टीव्हीकल की ऑप्शन इसके अंदर भी नहीं है। तो ये एक न्याय, क्योंकि पहले गोल्ड क्या था, गोल्ड के लिए गोल्ड एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता था अगर हम इवेबल की बात करते हैं, तो अब उन्होंने क्या किया कि गोल्ड को भी उन्होंने इवेबल के अंदर लेके आ गए। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये सभी स्टेट्स ने इसको अप्लाई नहीं किया जैसे जैसे स्टेट्स जो है, लेकिन क्योंकि ये पोर्टल के ऊपर आ गई है आपके पास ऑप्शन मूवमेंट ऑफ गोल्ड के लिए इवेबल जो है मैंडेटरी हो गया है, जब पोर्टल के ऊपर ये ऑप्शन उन्होंने दे दी है तो डैट मीन्स आने वाले टाइम में ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो सभी स्टेट्स क्या करेंगे, वो नोटिफिकेशन निकाल देंगी और स्टेट वाइज जिस जिस स्टेट ने नोटिफाई कर दिया तो उस स्टेट के अंदर गोल्ड की मूवमेंट के लिए आपको इवेबल जो है वो काटना पड़ेगा। और इसके अंदर बड़े ही ध्यान से जो HSN चैप्टर जो है वो 71 ही आपको कंसिडर करना है। अगर आप 71 कंसिडर करोगे तो आपको सिर्फ इवेबल का पार्ट ए फिल करना है, पार्ट बी व्हीकल डिटेल्स ट्रांसपोर्टर डिटेल्स नहीं देनी है। लेकिन अगर आपने 71 की जगह कोई और HSN डाल दिया या फिर उस 71 के साथ उसी HSN के अंदर 71 के साथ कोई और HSN की आइटम भी उसमें क्लब कर दी तो उसको एक नॉर्मल इवेबल कंसिडर किया जाएगा। उस केस में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी होंगी। तो अभी लेट्स वॉच कि कब कौन कौन से स्टेट जो है आपको नोटिफाई करती है कि वहां पर गोल्ड की मूवमेंट के लिए इवेबल को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। पोर्टल के ऊपर आके लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू।